कलमना पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली सब्जी मार्केट क्षेत्र में अड़तिया लोगों द्वारा वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की गई है, जो एपीएमसी के साथ मिलकर सब्जी मंडी की जगह दूसरों को बेच रहा है। जानकारी देते हुए युवा अड़तिया संगठन के सदस्य विनोद लोखंडे ने बताया कि हमने 2 सालों पहले हमारी समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से अपने संगठन की स्थापना की और इसी उम्मीद में सर्वमत से विनोद भैसे को अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन आज हमारे अध्यक्ष ही एपीएमसी के साथ मिलकर हमारी समस्या और शिकायतों को अनदेखा कर रहे हैं। जानुवांशिक रूप से चल रही अड़तिया की लाइसेंस रिन्यू करने की मांग हमने एपीएमसी के पास रखी थी, जिसके संज्ञान पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हमारी इस मांग को उनके सामने रखने की आवश्यकता होते हुए भी ऐसा कोई चित्र नहीं दिखाई दिया। जहाँ इस वक्त अपनी समस्याएं बताते हुए विनोद लोखंडे ने बताया कि आज सब्जी मंडी क्षेत्र में स्वच्छता नहीं है, मात्र हम ही नहीं तो बाहर से आए किसान लिवाल आदि लोगों के लिए लघु शंका की व्यवस्था नहीं है। ऐसी काफी जटिल समस्या होते हुए भी संगठन अध्यक्ष इस बात को आगे बढ़ाने की बजाय एपीएमसी के समर्थन में बोल रहे हैं, जिसके चलते युवा अड़तिया संगठन द्वारा अध्यक्ष विनोद भैसे के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनके इस्तीफे की मांग की गई है। इस समय बड़ी मात्रा में अड़तिया लोग कलमना मार्केट क्षेत्र में मौजूद थे। इसका कारण यह है कि 2 सालों से हमने नए एसोसिएशन की सब्जी मार्केट के नए एसोसिएशन की स्थापना की, वहाँ पे हमने सब ये मुद्दे रखे कि पुराने मयत के जो लाइसेंस है, जो पुराने जिनके बाप दादा के जमाने से यहाँ पे जो लाइसेंस बने हैं, वो लाइसेंस सबके वाले रिन्यू होने को होना, यह हमने अध्यक्ष महोदय के बाद में ये विषय रखे। यहाँ पे गंदगी बैठने व्यापार करने की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी इतने ज्यादा पैमाने पे है। अभी तो फिलहाल में बारिश का माहौल है, पर बिगड़ बारिश के माहौल में भी यहाँ पे वैसी गंदगी रहती, ये बात हमने अध्यक्ष महोदय के सामने रखे थे। आए दिन अतिक्रमण होते हैं, एपीएमसी कोई कोई छोटे छोटे बातों के ऊपर हमारे को परेशान करती है, हमारे कोई प्रॉब्लम हम वहाँ पे भी लेके गए तो वहाँ पे भी समाधान ही नहीं होती है ना, हमारे अध्यक्ष महोदय के पास में वो भी हमने विषय रखे, वो भी हमारे को समाधान कर कोई उत्तर देते नहीं। अभी तक हमारे पे बहुत अत्याचार हुए, मैं खुद विनोद लोखंडे मैंने बार बार अध्यक्ष महोदय के बाद में विषय रखा, उनको फोन पे 10 बार मैंने फोन करके बताया, मतलब भाऊ ये अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे माहौल हो रहा, ये लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे, इसको उसके ऊपर कुछ रोक होने को होना। बस अध्यक्ष महोदय ने आज तक बस हाउ के नारा दिए, बाकी कोई काम नहीं हुए। ये पूरे हमारे अड़तिया बंधु को सभी लोगों को मालूम है, इसीलिए हर अड़तिया यहाँ पे आक्रोश में है, इसीलिए आज ये मीटिंग रखे। ये अध्यक्ष महोदय से कोई काम हो नहीं सकता, मंडी का विकास हो नहीं सकता, जो गंदगी में है वही गंदगी में रहेंगे और वही गंदगी में एकाधी बीमारी के बारे मर भी जाएगा। हम तो अड़तिया के है, हमारे पीछे हम अड़तिया नहीं है, यहाँ पे लेवाल है, व्यापारी है, माल लेने वाले है, बाहर गाँव से माल लोग माल लेने के लिए आते है, ना उनकी कोई सुविधा है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, हमारे अध्यक्ष ने आज तक कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं करके दिए। इसीलिए सभी अड़तिया के अड़तिया के साथ में जो लेवाल है, जो चिल्लर माल बिक्री करते है, बाहर गाँव से व्यापारी लोग आते है, यहाँ पे कोई सभी लोग तकलीफ में है, इसीलिए आज हमारे को पूरे अड़तिया भाई को यहाँ पे जमा होके यहाँ पे एक आंदोलन करना पड़ा और इस्तीफे की अध्यक्ष महोदय से हमने मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय संगठन अध्यक्ष विनोद भैसे के साथ संगठन के सदस्यों ने मीटिंग भी की, जहाँ मौजूद विनोद भैसे ने अपनी सफाई में अड़तिया जनों के आरोपों का खंडन किया है और रविवार को पुनर्बैठक लेकर समस्या का निवारण करने की बात की है। आरोपांचा मी खंडन करतो, सगळे पुरावे आहे, मी 1.5 वर्षात काय कालावधीत काय काम केलं काय नाही याचा रविवारी मी यांना पूर्ण उत्तर देईल। उनका काय ना एक तो प्रॉब्लेम आहे, अगर आपण एपीएमसी में वो देते और एपीएमसी नहीं करते उसके लिए एसोसिएशन का अध्यक्ष जिम्मेदार रहेगा क्या? बताओ ना, उसके लिए एसोसिएशन का अध्यक्ष थोड़ी जिम्मेदार रहेगा, जो काम लीगली है वो लीगली एपीएमसी करेंगी ना, उसके लिए मैं थोड़ी उसका गुनहगार हूँ। नहीं नहीं, मैं थोड़ी इश्यू करने वाला मैं कौन होता हूँ? एपीएमसी इश्यू करती है लाइसेंस, मैं तो मेरे हाथ में थोड़ी है लाइसेंस इश्यू करना, एपीएमसी लाइसेंस इश्यू करती है। जिसके भी लाइसेंस देना है एपीएमसी बोर्ड की मीटिंग होती है, वो डिसाइड करते हैं किसको लाइसेंस देना क्या नहीं, वो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।